Hello students, welcome to our public school online classes. This video for standard 7 subject science. Students, in our last video, we read about the reciprocation in humans. Now we read reciprocation in animals. जानवरों में श्वसन ऑल डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मॉड्स ऑफ रेसिपरेशन सभी जानवर डिफरेंट प्रकार के यानी श्वसन को मॉड करते हैं द अमीवा एंड द पैरामीशियम जो अमीवा पैरामीशियम होता है टेक इन ऑक्सीजन ऑक्सीजन को लेता है एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड वाई द डिफ्यूजन और वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को ले, लेता है एंड गिव आउट और कार्बन डाइऑक्साइड देता है वाई द डिफ्यूजन डिफ्यूजन के द्वारा थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन जो अपनी उस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा वर्क करता है हाइड्रा एंड स्पंज ब्रीथ थ्रू देयर स्किन जो हाइड्रा और स्पंज होते हैं वो अपनी स्किन के द्वारा सांस को लेते हैं ट्रैकल रेसिप्रेशन ट्रैकल काक्रोच एंड द सम अदर इंसेक्ट हैव द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कार्ड द ट्रैकज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस कांक्रोच और कुछ अन्य कीड़ों में गैस ऑक्सीजन के आदान प्रदान के लिए ट्रैक नामक नलिका का जाल होता है द ट्यूब और स्मॉल ओपनिंग कार्ड स्पर जो ट्यूबों में छोटे छोटे ओपेंस होते हैं यानी कि जी, कार्ड कहते हैं किस कहते हैं स्पैराइड्स कहते हैं ऑन ऑन द साइड ऑफ देयर बॉडी जो उनकी बॉडी के साइड में होती हैं है एंड है, बंद होते हैं टू अलाव दैस मूव इन जब गैस उनके अंदर मूव करती है ऑक्सीजन रिच इन रशिज जब ऑक्सीजन की मात्रा रशेज ज्यादा होती है थ्रू स्पर्कल्स ऑक्सीजन थ्रू ट्रेकल ट्यूब में वो स्पर्कल्स कहते हैं डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यूज जब डिफ्यूज होता है बॉडी में टिश्यूज़ के द्वारा एंड द रीचेज एवरी शेल ऑफ द बॉडी और जो पहुंच जाता है बॉडी के सभी शेल्स में सिमिलरली सेम ही कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द गैस वो फ्रॉम टू सेल्स गोज इनटू द ट्रेकल ट्यूब्स इसी तरह से सेम इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह सेल्स से, से ट्रैकल ट्यूब्स में जाती है एंड मूव आउट द थ्रू द स्प्रेकल्स और मूव आउट कर जाती है इस स्पायरक के माध्यम से बाहर निकल जाती है कं सियस रेसिप्रेशन त्वचीय श्वसन इसका मीन्स होता है त्वची यानी कि जो त्वचा के द्वारा एनिमल्स जो सांस लेते हैं सम एनिमल्स लाइक द आर्थवाम लीच फ्रॉग एंड्रोग्रो कैटोनियस रेसिप्रेशन दे यूज स्किन फॉर एक्सचेंज कुछ जानवर जैसे कि आर्थवॉम जोक मेढक त्वचीय श्वसन से गुजरते हैं वह विनिमय के लिए अपनी त्वचा का प्रयोग करते हैं फॉर एग्जाम्पल अर्थ बाराम लिप्स इन सॉइल जो अर्थ बाम होता है वो मिट्टी में रहता है इन द रेसिपरेटम रेसिपरेटरी सिस्टम ऑफ द अर्थ बॉम ऑक्सीजन इंटर्स थ्रू स्किन इसीलिए जो रेसिपरेटरी सिस्टम होता है यानी कि श्वसन अंग का जो मार्ग होता है वो ऑफ द अर्थवाम यानी कि केचुए में केचु की जो श्वसन प्रणाली होती है वो त्वचा के माध्यम से वो सांस लेता है द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द अर्थ वाम ऑल्सो लिप्स थ्रो स्किन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अर्थवाम के स्किन के द्वारा ही थ्रू आउट की जाती है हाउवेयर द स्किन मस्ट रिमेन मॉइस्ट इन द ऑर्डर ऑफ द गैसेज पास थ्रू कि हाउ वेर द स्किन मस्ट रिमेन उसकी स्किन में मस्ट रिमेन uh, रहती है मॉइस्ट यानी कि मोस्टली कैसी रहती है मॉइस्ड रहती है हालांकि गैसों के माध्यम से पारित करने के लिए त्वचा को उसका कैसा होना जरूरी होता है मोस्ट यानी कि नरम होना जरूरी होता है इफ़ द अर्थ बॉम रिमेन्स आउट जब आ, क्या होता है जब अर्थ बाम जो होता है वो रिमेन आउट ऑफ द हीट ऑफ द सन जब सूरज की रोशनी लिखने के लिए बाहर निकलता है द स्किन ड्राई उसकी स्किन क्या हो जाती है ड्राई हो जाती है एंड द काकरोच सफोकट्स और काकरोच अपनी दम तोड़ देता है व्रैंकल रेसिप्रेशन ब्रांचियल यानी कि साख इसे कहते हैं शाखात्मक श्वसन द रेसिप्रेशन ऑर्गन इन ब्रांचियल रेसिपरेशन आर गिल्स ब्रांची रेसिपरेशन प्रणाली में ब्रांचियल रेसिपरेशन गिल्स या ब्रांचिस के द्वारा किया जाता है होता है कॉन्टिन्यूस फ्लो इन फ्लो एंड द फ्लो आउट ऑफ द वाटर इसमें निरंतर फ्लो होता है एंड आउट फ्लो होता है इन फ्लू होता है आउट फ्लो होता है पानी का एंड द नेसेसरी ऑफ द प्रोसेस जो इसकी क्रिया के लिए बहुत जरूरी होता है दिस टाइप रेसिप्रेशन टेक प्लेस इन एक्वाटिक एनिमल और ये इस प्रकार का रेसिप्रेशन एक्वाटिक एनिमल्स में पाया जाता है जैसे कि एज अ सच एज फिश कर टेडपोल फ्रॉग फॉर एग्जाम्पल फिश हैव गिल्स टू ब्रीद अंडर द वाटर इस तरह से फॉर एग्जाम्पल आप फिश गिल्स को अंडर वीड द वाटर जो पानी के अंदर सांस लेती हैं गिल्स आर द प्रोजेक्टिव ऑफ स्किन दे आर वेल सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स दे आर द वेल सप्लाइड उसमें वेल सप्लाइड होता है ब्लड वेसल्स के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज गैसेज का दे आर यूज ऑक्सीजन में और वो उस ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं जो पानी में घुली हुई होती है पॉलीमेंट्री रेसिप्रेशन पॉलीमरी पॉलीमरी रेसिप्रेशन इन पॉलिमेशन लंग्स आर रेसिप्रेशन इसमें लंग्स के द्वारा रेसिप्रेशन स्वसन अंग आ, होते हैं इस टेक प्लेस इन ममल्स। ये मादाओं में होता है लाइक वर्ड रेप्टाइल मोस्ट एंड एम्बिशन और पॉलिमी मीन्स होता है फुसफुसीय ध्वनि ये स्तनधारी पक्षियों अधिकांश उभयचरों में होता है देखिए एम्बिन उपचार उदाहरण के लिए पक्ष वर्ड हैव लंग्स जो पक्षी होते हैं उनके पास लंग्स होता है एंड द इज केस और वायु की उनके पास थैली होती है रेस्परेशन थ्रू द रिली मोर ऑन द ईयर केस फॉर इट जो थ्रू दे रिले वो रिले करती है मोर ऑफ द ईयर बहुत सारी हवा को स्केस फॉर इट इसके लिए वेल well, वेल्स एंड टेडपोल और नॉट द फिश जबकि वेल्स और टेडपोल होते हैं वो ना नॉट एज अ फ़िश थ्रू दे लिव इन वाटर वो फिश नहीं है थ्रू दे लिव इन वाटर जो पानी में रहते है, they are mammals. हैं दे आर मोमल्स वो मोमल्स हैं देट यूज देअर लंग्स फॉर रेसिपरेशन और वो अपने लंग्स का यूज़ करती हैं फॉर रेसिप्रेशन स्वसन के लिए दे आफ्टर कम आउट ऑफ द वॉटर और वो, वो वाटर से बाहर आती हैं एंड द सर्फेस ऑफ रेसिपरेशन स्वस्न क्रिया को करने के लिए वह वाटर की सर्फेस पे जाते हैं प्लांट्स आल्सो रिक रेसिप्रेशन रेसिप्रेशन इन प्लांट पौधों में रेसिपरेशन देखिए प्लांट आल्सो रेसिप्राइज रेसिप्रेशन इन प्लांट टेक द प्लेस डिफरेंट पार्ट सच ए रूट स्टीम एंड लीव जो पौधों का रेसिप्रेशन यानी श्वसन होता है वो विभिन्न भागों के द्वारा किया जाता है जैसे कि रूट्स यानी उनकी जो जड़ होती है स्टीम तनों एंड लीव्स पत्तियों के द्वारा रूट्स सेल्स आल्सो कार्ड द नीक्स ऑक्सीजन जो रूट सेल्स होती हैं उन्हें जरूरत होती है ऑक्सीजन की टू जनरेट एनर्जी एनर्जी को बनाने के लिए रूट्स टेक अपेयर फ्राम द एयर स्पेस जो रूट्स होती हैं वो लेती हैं हवा को फॉर एयर स्पेस के द्वारा प्रजेंट बिटवीन द सॉयल पार्टिकल जो मिट्टी के जो मिट्टी होती है उनके पार्टिकल्स के बीच में जो एयर होती है वो उससे ऑक्सीजन लेती हैं देन आ, आउट ऑफ द सर्फेस एंड एवरी बुड्स और प्रत्येक लकड़ी स्टीम्स जो उनका स्टीम यानी तना होता है टेक्स इन एयर और एयर लेता है थ्रो द स्मॉल ओपनिंग कार्ड्स दें टेंटिकल्स जिन्हें छोटे छोटे ओपन्स होते हैं जिन्हें टेंटिकल जाता है उनके द्वारा लीव्स एंड यंग ग्रीन पत्तियाँ और जो यंग ग्रीन्स होते हैं प्लांट्स रेस्परेशन थ्रो टिनीपोर्स जो लेते हैं श्वसन करते हैं टिनीपोर्स के द्वारा काल द स्टोमेटा जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं एक्सचेंज गैसेस ऑफ गैसेज इन प्लांट इज़ नॉट फास्ट इन एनिमल जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज का होता है प्लांट में इतनी फास्ट नहीं होता है जितना कि जानवरों में होता है ड्यूरिंग द डे दिन के समय में वो रेसिपरेशन रोसिप्रेशन होता है एंड द फोथोसेंसाइसिस टेक प्लेस इन द प्लांट और फोथोसेंसाइसिस की प्रक्रिया भी होती है पौधों में एट द नाइट ऑनली रेसिप्रेशन टेक प्लेस और रात के समय में केवल रेसिपरेशन का, का ही स्थान लेता है स्टूडेंट्स वी कंप्लीट द बुक रीडिंग Thank you and have a nice day.